गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माई चैनल मसलन मशीन। दिस इज़ सौरभ एंड आज दिन है सैटरडे और एक काफ़ी अच्छी सुबह है। होप कि आप लोग सब सही होंगे एंड आज हम निकले हैं राइड के लिए। ऐसे कल रात तक तो प्लान नहीं था लेकिन अचानक से ऋतिक ने मेरे को मैसेज किया कि भैया राइड पे चलिएगा, क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं चाईबासा से आए हुए हैं, तो बोला कि उनके साथ जा रहे तो पूछा, तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कांके पेट्रोल पंप की तरफ, तो वहाँ सब मिलने वाले हैं। एंड ऋतिक ने मेरे को अभी कुछ देर पहले निकलने से पहले उसको फ़ोन किया था, पूछ रहा था कौन कौन है, तो अराउंड 6-7 लोगों का नाम बताया था लेकिन मेरे ऊपर से गया था। तो अभी जाके वहाँ हम सबसे मिलेंगे पहले। एंड कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पहले से एंड कुछ लोग हैं जो नए हैं, तो उनसे जाके मिलेंगे, इंट्रो करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे राइड पे। एंड अभी न्यूक्लियस मॉल पहुँच गए हैं, यहाँ से हम जाएंगे कचहरी होते हुए कांके पेट्रोल पंप। मौसम बढ़िया है एंड अभी जैसा आप लोग देख रहे होंगे मैंने अपने ये एक जैकेट पहन ली, हुडी पहनी हुई है और साथ में अपने फुल गॉन्टलेट ग्लव्स जो कि बहुत टाइम बाद पहने। बात ऐसी हो गई कि मेरी जो राइडिंग जैकेट है मैंने धोई थी तो वो सूखी नहीं है, ऑलमोस्ट सूख गई है लेकिन उससे प्रोटेक्टर लगाना बाकी था, तो मन नहीं किया, तो सोचा धीरे धीरे ही जा रहे हैं तो ये एक जैकेट मतलब हुडी ही डाल लेते कम से कम। और हुडी भी मेरी मॉन्स्टर एनर्जी वाली है और हेलमेट भी मेरा मॉन्स्टर एनर्जी वाला है, तो आज पूरा ही कपड़ों के हिसाब से तो पूरा मॉन्स्टर एनर्जी है, लेकिन अपने पास आज छोटी मॉन्स्टर है, वो बड़ी मॉन्स्टर है नहीं, एंड उस मॉन्स्टर को भी थोड़ा कंट्रोल करके ही चलाना होगा, छोटे मॉन्स्टर को भावनाओं में नहीं मैंने। चलिए कचहरी पहुँचे हैं, अब बढ़ते हैं आगे और वहीं हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर। आ गए बहुत कोई तो आ रहे ना। गुड मॉर्निंग। तुम पूरा गेयर में नहीं पहचान में आ रहे हो लेकिन वो बता दिया था पता है तुम्हें। हेलो सौरभ, माइल से सर, माइल से। अच्छा चाईबासा एरिक, पिछली बार प्लान था तो आज चलो मिल लिया। वही हम तो बचत करेंगे बोले बोले। सौरभ अर्पण राहुल, कल रात में प्लान था तो संडे का प्लान था। हाँ हाँ मेरे को रात में ये अर्पित मैसेज किया था, अर्पित बोल रहा है, ऋतिक मैसेज किया था तो उसी के लिए आ गए। कब है? हम फोन नहीं है अभी। है बेटा ऐसा गायब हुए हो ना तुम। अभी आगे बढ़ रहे हैं, ऋतिक आने में लेट कर रहा था तो सब बोले कि आगे जाएंगे और सब चाय सब पीते रहेंगे, तो आगे जाके हम लोग वेट करेंगे। जमशेदपुर वाले वीडियो में जो मैं बता रहा था टॉर्क मैडनेस, तो वो आ गई है सैमुअल, वो पूरा सूट में है, राइडिंग पैंट्स जैकेट्स बूट्स ग्लव्स हेलमेट सब कुछ। तो सैमुअल ऋतिक और आशीषन ने ही बोला था जुगाड़ बैठाने को, एक बार मैं ऐसे ही मिल गया था इनके पास, ऋतिक के पास गया था तो बाकी दोनों भी थे तो वहीं बात हो रही थी, तो वो लोग एक जुगाड़ बैठाने बोल रहे थे।
अभी लग तो नहीं रहा है कि वो जुगाड़ जल्दी बैठेगा, तो थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। बाइक की साउंड, एक बार वो जुगाड़ बैठ गया उसके बाद मस्त आएगा। आज जो ग्रुप राइड है तो उसमें एक मेरी आरसी 390, आगे R15 V3 है, उधर ड्यूक 390 है, पीछे डोमिनर है, RS 200 है, फिर एक और आरसी 390 है, शायद एक RR 310 रहेगी। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और वेट करेंगे। हाँ, और एक और बाइक थी जो कि है RS 200। उसमें प्रोटेक्टर लगाना था तो लगाए नहीं, सूख गया। मतलब हल्का हल्का होगा गीला, लेकिन वो प्रोटेक्टर सब नहीं लगाए थे ना, तो कोड़िया टाइप करके नहीं किया। ओ भाई, ये लगाया कर लो, ये वाला तो अभी कुछ देर पहले हम लोग रुके थे क्योंकि सैमुअल का जो Insta360 है उसका हुआ ऐसा था कि चलाते चलाते अचानक से ही उसका क्लैंप खुल गया था, एंड वो तो अच्छा था कि धीरे धीरे चला रहा था तो पकड़ लिया था तुरंत। और RR 310 नहीं आई, एक इम्पल्स V4 आई। ये मेरे सामने एरिक चल रहा है अपनी RC 390 में। तो लास्ट वीक जो जमशेदपुर गया था इससे मिलने का प्लान था, मैंने जो मैंने स्टोरी डाली थी तो रिप्लाई आया था कि मैं जमशेदपुर में हूँ, लेकिन किस्मत ऐसी कि मैं काम में ही ज़्यादा बिजी हो गया था और निकलने में काफ़ी लेट हो गया था, तो उसी के लिए फिर लास्ट मोमेंट पर इसको कॉल करके मेरे को मना करना पड़ा कि आज नहीं हो पाएगा। सभी कोई राइडिंग गियर के साथ है, मैं ही एक हूँ क्योंकि नहीं है। क्या भी मस्त व्यू लग रहा है, एंड यही अराउंड एक महीने बाद मैं ये व्यू देख रहा हूँ और मस्त लग रहा है। बारिश का टाइम मस्त बादल बादल दिखता था पहाड़ के बीच में, लेकिन अभी थोड़ा हेजी है एंड दिख रहा है बढ़िया टाइम। घुटने तो निकालने वाला नहीं हूँ आज क्योंकि अपने पास राइडिंग गियर नहीं है। अब पता नहीं क्यों जब पहनते नहीं है गियर तो कॉन्फिडेंस नहीं आता उतना।
खींचा वाला वीडियो सब डालते नहीं, मतलब काट दे। अरे अभी भी जमशेदपुर जा रहा था, बीच बीच में किए थे। अरे मेरा बाइक में ना वो वॉबल का प्रॉब्लम है। अच्छा 130 के बाद ना हवा 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 करो, हवा का चेक करो। हाँ जैसे लॉन्ग टूरिंग करते हो ना तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रखो, विली मारने के लिए तो तुमको कम रखना पड़ेगा ताकि वो ग्रिप ज़्यादा बने। और लास्ट वीक ऐसा हुआ था ना, तुमको मना किए, फिर इधर मेरे को जो भैया के पास थे वो ले गए मेरे को टेल्को कॉलोनी पूरा, उसके बाद फिर मानगो साइड से निकल गए थे। वहाँ से 6 बजे आस 6 पार हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ हाँ हाँ, और उसमें भी क्या हुआ, ये मानगो के बाद जो हाईवे पकड़ते हैं, मतलब मानगो पुल क्रॉस करके इधर राइट मुड़ है, फिर मेन हाईवे साइड गए, तो उधर जाते जाते एक जगह आते हैं ना कि इधर पहाड़ी दिख रहा है और फिर नीचे रेलवे लाइन है, और बगल से उधर पहुँचे तो बारिश, फिर अराउंड 20-30 किलोमीटर वैसे भीग भीग के चला और धीरे धीरे चलो। चलो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ पतरातु आए थे, नीचे रुके थे, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, उसके बाद अब सब निकल रहे वापस। तुम दौड़ के गया, लगा रिकॉर्डिंग करेगा। बैठो एक बार, बैठो बैठो एक बार, चलो आगे बढ़ते। चलो इधर से एक बार घुमा लेते हैं सबको, आएंगे तो सबका एक वीडियो बना लिया जाएगा। ये तो ये सब आ रहे हैं, ये अर्पित और बाकी लोग आ रहे हैं। अच्छा बाकी लोग के बीच में गैप है, ये आया विपुल, ये एरिक, फिर एक स्कूटी वाले भैया, अभी सभी कोई पीछे पीछे आ रहे हैं, एंड करेंगे। ये वाला व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है, धूप निकल गई है, पूरा ग्रीनरी दिख रहा है।
अभी इस जगह धीरे धीरे ही चलाएंगे हम लोग। घाटी में थोड़ा रेव लिमिटर तक खींच रहे थे बाइक को, तो वो चीज़ अभी इधर आराम देंगे इंजन को थोड़ा सा। ये पीछे से आ रहा है ऋतिक, हार्ड टू थिंक का मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या है। तो अभी मतलब ऐसा ये रील सब बनाते हैं और वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, कि मतलब लोग एकदम इट्स हार्ड फॉर देम टू थिंक कि ये क्या क्या कर सकता है। आज स्टॉपी मारने के मूड में। ये साथ में है अविरल अपनी इम्पल्स V4 पे। बीच में बाइक पे काफ़ी मन आया था, सोचे कि अभी बहुत मतलब स्पोर्ट बाइक राइडिंग हो गई तो साइड बाय साइड एक ये ऑफ रोडिंग बाइक भी होनी चाहिए। तो बीच में मैं भी सोच रहा था कि क्या किया जाए, या तो हिमालयन या तो इम्पल्स, लेकिन फिर सोचा कि मेरे लिए यही सब बाइक बनी है, तो फिर उसको प्लान ड्रॉप किया और बस अपने नॉर्मल RC और 10R दोनों में ही एंजॉय करता हूँ। मतलब मेरे को वो बाइक अच्छी लगती है जिसमें R रहे, जैसे रेस कॉन्सेप्ट नहीं, रेस कंपटीशन है शायद इसका RC का फुल फॉर्म, और ZX10R जिसमें वो रेसिंग DNA वाली बाइक रहती है ना, मतलब रग रग में रेसिंग बैठ, तो उस टाइप की बाइक्स मेरे को बढ़िया लगती है। थोड़ा है बहुतों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन रहता है सिटिंग पोजीशन, लेकिन उसमें जो मज़ा है वो भी अलग लेवल का होता है। अभी यहाँ कांके घुस रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, तो वो इसलिए क्योंकि सैटरडे है तो कॉलेजेस और स्कूल खुले हुए कुछ कुछ, एंड कुछ लोग जिनका ऑफिस भी रहता है तो वो भी ऑफिस जा रहे हैं, तो जिससे कारण मतलब ट्रैफिक यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी ऐसे ही धीरे धीरे जाएंगे, एक जगह आखिरी रुकेंगे जहाँ सबको, फिर अपने अपने घर की तरफ बढ़ेंगे मिलने के बाद, एंड वो शायद वही कांके पेट्रोल पंप के आसपास ही है जहाँ हम लोग मिले थे, उसी के ऑपोजिट साइड में। भाई पूछ रहा था अभी ऋतिक कि आज का राइड कैसा लगा, तो मज़ा आया, पहले धीरे धीरे जा रहे थे लेकिन उसके बाद फिर सोचे थोड़ा घाटी का मज़ा लिया जाए, तो ये लोग पहले मेरे को बोल रहे थे कि आगे जाइए, लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं जाता था क्योंकि अगर मैं फिर फ्लो में आऊँगा एंड बाइक को अपने हिसाब से चलाऊँगा तो बाकी सब पीछे हो जाएंगे, एंड वही हुआ था। बीच में मैं रुका हुआ था कि ये लोग आगे जाएंगे और मैं पीछे पीछे रहूँगा, लेकिन ये लोग बोला आप आगे बढ़िए, तो बस मैं फ्लो में आ गया और फिर आगे ही निकल लिया फिर आगे जाके वेट कर रहा था। यहाँ कांके पहुँच गए हम लोग, उधर ही पीछे मिले थे, तो अभी थोड़ा सा आगे जाके एक और पेट्रोल पंप आता है इसी साइड में। अच्छा ये रहा, एक अंदर घुस गया पहले। अब सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो यहाँ हम लोग अब एक आखिरी मिल लेंगे और फिर सब घर की तरफ बढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं अब घर की तरफ, बाय बाय। बाय बाय। तो आजकल लोग यहीं एंड करते हैं, अभी हो गया है, हम लोग पहुंच गए रांची, अब सब अपने अपने घर की तरफ बढ़ेंगे।
अगर कुछ भी चाहते हैं कि मतलब किस टाइप का वीडियो बनाएं, अभी एक का मैसेज आया था मेरे को कॉलेज रिएक्शन वीडियो बनाने, पब्लिक रिएक्शन वीडियो, तो वो भी अभी है, नोट करके रखा है मैंने, कुछ टाइम में बनाऊंगा मैं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कुछ चाहते हैं आप लोग कि ऐसा बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ऐड करते रहिएगा, तो मैं उसके हिसाब से मैं बनाते रहूँगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड शोइंग सो मच लव एंड बाय बाय।